ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां गुजरात में निकाय चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आई हैं, जो अभी तक जानकारी आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, गोपी 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 बता रही हैं, दिखाएं। यहां पे इस वक्त वो वोट डालने के लिए पहुंची हुई है और साथ ही उनके जो भाई है, छोटे भाई, सबसे छोटे भाई जिनके साथ वो रहती है, वो भी यहां पे पहुंचे हुए हैं और यहां पे अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पे तैनात हो गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गांधीनगर का ये जो चुनाव है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सूरत में जीत के बाद पहली बार गांधीनगर के चुनावी मैदान में उतरी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा यहां पे पहुंची है, खुद चल रही है, चल के ये वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। 99 साल की उनकी उम्र है और यहाँ पे अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो चलकर वोटिंग सेंटर के अंदर पे आई। गोपी, अगर आप सुन पा रही है तो बताइए। देखिए, ये अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि 99 साल की उम्र में कोई वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं उनके लिए उम्र के इस पड़ाव में कितना मुश्किल चलना भी है, लेकिन वो अपने वोटिंग राइट्स को, जो उनका हक भी है, अधिकार भी है। गोपी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गांधीनगर की, 99 साल इनकी उम्र है और वोट डालने आई है। बिल्कुल अंजना, 99 साल की इनकी उम्र है और यहाँ पे वोट डालने के लिए वो पहुंची हुई है। दरअसल बेहद दिलचस्प है, वो खुद पैदल चलकर 99 साल की उम्र में भी अपना वोटिंग राइट जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। वो खुद गाड़ी से उतरे, उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल जहाँ पे वोटिंग बूथ है वहाँ पे खुद चलकर वहाँ पे पहुंचे और अब अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो चुनाव है वे भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस चुनाव में इस बार पहली बार है कि बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। तो तीनों के बीच में ये जो जंग हो रहा है उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है हीराबा साल की उम्र में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है और हमने हर बार देखा है कि वो जब भी वोटिंग होता है हीराबा हमेशा आती है, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करती है। चाहे एक जो हम कह सकते हैं कि ये जो युवा है उनके लिए भी एक मैसेज है कि अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और वो खुद यहाँ पे चलते पहुंची है अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने। अंजना, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गोपी और देश भर में लोग देख रहे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर किसी ना किसी मौके पर जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वो वीडियो जारी करते हैं, लेकिन इस बार मीडिया कैमरा ने ढूंढ लिया उनकी माँ को खुद ही वोट करने के लिए पहुंचते हुए। परिवार के और भी लोग वहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए गोपी? बिल्कुल अंजना, उनके साथ जो उनके सबसे छोटे भाई यानी प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। साथ ही उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी यहाँ पे पहुंची हुई है वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए। ये सारे लोग इस वक्त गांधीनगर के रायसन जो इलाका है जहाँ पे स्कूल आई हुई है वहाँ पे अपना वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है 99 साल की उम्र में भी पैदल चल के आई है। मतलब उनके लिए यहाँ पे व्हीलचेयर सब रखा गया था लेकिन उन्होंने कहा कि वो चलकर ही जाएगी और बकायदा वो चलकर ही वोटिंग बूथ तक आई। करीब 50 मीटर का ये डिस्टेंस होगा, वो चलकर आई, अपना वोट दिया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ से वो अब उनका जो वोट है वो उन्होंने दे दिया है। साथ ही उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और गांधीनगर का ये जो चुनावी जंग है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, अब एक इस वोट की भी गिनती होगी। गोपी, काफी बड़ा हुजूम वहां मीडिया का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, काफी बड़ा हुजूम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है 99 साल की, वैसे ही अक्सर हम देखते हैं कि अगर बुजुर्ग होते हैं वो भी 90 साल की उम्र से ज्यादा की तो हर बार वो मीडिया के आकर्षण का केंद्र बनते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री की माँ है और वो खुद अपने पैरों पे वोट डालने के लिए जब यहाँ पे पहुंची हुई है तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पे
टिकी हुई है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है चाहे कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री अगर गुजरात आते हैं तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर जाते हैं, और खास तब जब अपने जन्मदिन का मौका होता है तब वो हमेशा के लिए अपनी माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। तो वैसे में जो प्रधानमंत्री की माँ जब यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची है, वो भी 99 साल की उम्र में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही है, तो एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, कि अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए।